वेलकम टू फिल्मी बीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी फिल्मों में काफी बिजी चल रही हैं। परिणीति के पास इस वक्त कई सारी फिल्में हैं। इन दिनों वो अपनी आने वाली फिल्म जबरिया जोड़ी की जबरदस्त प्रमोशन में जुटी हैं। जबरिया जोड़ी का प्रमोशन वो फिल्म के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कर रही हैं। वहीं परी जहां फिल्मों में बिजी हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ के चलते भी वो काफी सुर्खियों में है। परिणीति का नाम अब तक इंडस्ट्री में ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ा है। परिणीति ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी लव लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं। परिणीति ने इंटरव्यू में बताया है कि कैसे एक बार बुरी तरह से ब्रेकअप के बाद उनका दिल टूट गया था। परिणीति ने कहा कि जब उनका दिल पहली बार टूटा था तो वो पूरी तरह से बिखर गई थी। अपने लव रिलेशनशिप पर बात करते हुए परी ने बताया कि मैं एक बड़े हार्ट ब्रेक से गुजर चुकी हूं। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे खराब समय था। ईमानदारी से कहूं तो मैं उस समय पूरी तरह से बिखर गई थी। वो पहला मौका था जब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। इससे पहले किसी ने मुझे कभी ना नहीं कहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस वक्त कैसे रिएक्ट करूं। उस समय मेरे परिवार ने मेरा साथ निभाया था। परिणीति ने साथ में कहा, अगर आज मैं इतनी स्ट्रांग हूं और आज मैं समय के साथ इतनी मैच्योर हो चुकी हूं, तो उसका कारण वही हार्ट ब्रेक था। अब मैं भगवान को उस बुरे दौर के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर वो दौर मैंने नहीं देखा होता तो शायद मैं स्ट्रांग नहीं हो पाती। अब जो भी हो, परिणीति की बातों से तो जाहिर है कि वो किसी बुरे हार्ट ब्रेक से गुजरी हैं। परिणीति को लेकर इन दिनों कहा जा रहा है कि वो चरित देसाई नाम के एक शख्स को डेट कर रही हैं। बता दें कि चरित देसाई असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन के साथ हैं। चरित और परिणीति को यूं तो ज्यादा बार स्पॉट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, दोनों ही प्रियंका चोपड़ा की बैचलर पार्टी में हिस्सा जरूर बने थे। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, गिव अस कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।